तो देख सकते हैं गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसको हम लोग 5 मिनट उमाल लेंगे अच्छी तरह से आमले को। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से 5 मिनट उमाल लिए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से ये पक चुका है, कलर भी देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छान लिए हैं, अब इसको 10 मिनट तक के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पहले इसको सूखने देते हैं। ठंडा हो चुका है, अब मैंने इसे ऐसे कर लिया है। अब चलिए अब उसका मसाला रेडी करते हैं अचार का। मसाला मैंने ले लिया है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा सौंफ, जीरा और धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेना है। आप चाहे तो लाल मिर्च, सूखी मिर्च भी इसमें डाल के भून सकते हैं। मैं पाउडर डालूंगी इसीलिए नहीं भुनना है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा राई और थोड़ा सा तोरी, चलिए इसको भी भून लेते हैं। तोरी, मेथी और ये थोड़ा सा सरसों, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाए तो इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से दरदरा पीस चुका है। मसाले को हम एक बर्तन में ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सबको डाल के तेल गर्म हो जा रहा है, इतने स्वस्थ इस तरह से मिला देंगे। कर लिया था, अब ये तेल ठंडा हो चुका है। चलिए अब इस तेल में, तेल को इस मसाले में डालते हैं। डाल करके इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस अचार को मस्त, इसको आमले को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इतना टेस्टी लगता है। अब इसको आप, ये रेडी हो चुका है, ऐसे भी खा सकते हैं। 2-3 दिन के लिए घाम में 1-2 घंटा रख दीजिएगा तो ये सालों तक चलेगा ये अचार। देख सकते हैं कम समय में बन के तैयार हो जाने वाली अचार। इसको 2 दिन घाम में सुखा देंगे और सुखा देने के बाद उसके बाद आप इसको ये शीशे के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, ये सालों खा सकते हैं आप। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं अचार ये सूख चुका है, मैंने ये शीशे के डब्बा में रख दिया है। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से अचार के ऊपर तक तेल होना चाहिए, ऐसे देख सकते हैं कुछ है ऐसे। अचार के ऊपर तक तेल रखिएगा तो अचार नहीं बिगड़ेगा। अब ये आप देख सकते हैं, अब इसको आप स्टोर कर सकते हैं, 1-2 साल मज़ा से इसको खा सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए ये अचार बन के रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।